व्रत में खाने वाली लौकी की खीर बनाने के लिए आप इस तरीके से आप देख रहे हैं। चलिए मैं हूँ राधा, कुक विद राधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लौकी की खीर बनाने के लिए मैंने एक लौकी ली है, छोटी ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। और बड़ी अगर लेना हो गए तो उसमें बीजे होते हैं और ये छोटी बीजी लौकी ठीक रहती है। इसी तरीके से आपको छोटी लौकी लेनी है और इसको छील लेना है चाकू की सहायता से। इसको खुरच खुरच के आप चाहें तो दूसरे वाले चाकू से भी छील सकते हैं। और इसको सही से छीलना है ताकि इसमें चिक्कल लगा ना रहे। अब ये छिल चुकी है, अब इसको बीच से आधा काट लूँगी। अब इसको कद्दूकस से इसके लच्छे लच्छे निकाल लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें बीजे हैं तो बीजे इसके निकाल सकते हैं। अब ये कद्दूकस कर चुकी हूँ मैं। अब कद्दूकस, अब इसमें एक लौकी आपको पहले ही धो लेनी है, लौकी बाद में नहीं धोनी है। अब इसको एक फ्राई पैन पे इस तरीके से लौकी जो कद्दूकस की है लो फ्लेम पर इसको गैस ऑन करके रख देना है। अब इसको चलाना है। अब इसमें एक गिलास भर के दूध ऐड कर देना है। अभी 10 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर आपको पकाना है ताकि लौकी आपकी कच्ची ना रहे। अब आप देख रहे हैं कि ये खूब खौल रही है। अभी इसमें चीनी ऐड नहीं करना है, चीनी गैस बंद कर कर ही आपको ऐड करना है। नहीं तो अगर चीनी आप पहले डाल देंगे तो ये दूध फट जाएगा, तो लौकी फटी फटी आपको नज़र आएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें खूब फूल आ रही है, ये बन के तैयार हो चुकी है। अब गैस ऑफ कर देनी है। गैस ऑफ कर दी है। अब गरम ही इस खीर में चीनी आधा कटोरी ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से चलाना है। अब ये तैयार हो चुकी है। अब इसको पंखे में रख लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ये बनके तैयार हो चुकी है। अब हेलो गाइस, तो बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स ओपन बाय। थैंक यू राधे।